अभी मैं मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली में, और यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि संपूर्ण सेवा फाउंडेशन के जो कि मेंबर मनोज कुमार सिंह, और काफ़ी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप देखे होंगे। तो दोस्तों अभी दिल्ली में हैं, और दिल्ली में खास करके मेरा आज पहला दिन है, तो मैं सोचा कि पहले इनसे मिलूँ और उसके बाद से जो भी प्रक्रिया है आज आगे आपको देते रहूँगा। तो सबसे पहले मनोज जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ PWV प्रेमवे ब्लॉग्स का, जो मतलब अपने जनहित में अपना मैसेज सोसाइटी को, अपने समाज के लोगों को देने के लिए। मैं मनोज कुमार सिंह हूँ, अपना ऑफिस के बिजनेस ट्रिप के लिए मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली आया हूँ, और मैं पिछले काफ़ी दिनों से गांव पे रहा हूँ, और अभी भी होम सिकनेस है, और होम सिकनेस नहीं कह सकते हम लोग प्रोफेशनल वे में, जबकि मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप आए हुए हैं अभी दिल्ली में, और वहाँ से चल के तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। खास करके हमारे इस छोटे से चैनल के लिए बहुत समझिए कि मैं अपना आभारी हूँ कि आप अपना दिल्ली में पहला इंटरव्यू देने का मौका दिया। तो मनोज कुमार सिंह जी, आपसे बहुत सारा सवाल है हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा है और समय आपके पास बहुत कम है। तो सबसे पहले ये सवाल हम करना चाहते हैं, अगर आप बिहार से और दिल्ली से क्या तुलना देखते हैं, मतलब क्या अंतर देखते हैं? जी देखिए, बिहार में क्या है कि बिहार से मतलब चूँकि जॉब नहीं है, ये सबको पता है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। जॉब नहीं होने की वजह से, रोज़गार कम होने की वजह से, जो भी बिहार के जो युवा हैं वो बिहार छोड़ के दूसरे स्टेट में माइग्रेट हो रहे हैं, तो ये बिहार के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। और इसमें कम से कम बिहार सरकार को इस चीज़ पर विचार करना चाहिए कि हमारे जो भी युवा हैं पढ़ाई करके, अपना डिग्री ले करके दूसरे स्टेट में क्यों जा रहे हैं, क्यों जाने का रीज़न क्या है? और दूसरा चीज़ की डिग्री लेकर के जा रहे हैं, और दूसरा तरफ ये देखिए कि जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, वो भी बिहार छोड़ के आ रहे हैं। मतलब एक छोटा सा एक आप समझिए, एक लेबर क्लास का भी एक जॉब है, उसके लिए भी बाहर लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमको ये लगता है कि दूसरे स्टेट में जैसे मेट्रो सिटीज में लोग आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उनको कुछ बिहार से ज़्यादा जॉब मिलता है। तो जॉब बिहार में क्यों नहीं है, और जॉब आएगा कहाँ से कम बिहार को, बिहार सरकार को इस चीज़ पे विचार करना चाहिए। हम बिहार के बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्राउड मतलब बिहार में फील करता हूँ, मैं बिहार का एक निवासी हूँ और हमेशा मुझे गर्व है अपने बिहार पे, लेकिन अपने बिहार को और सुधारा कैसे जाए, बिहार को आगे कैसे बढ़ाया जाए, डेवलपमेंट कैसे किया जाए बिहार को, इसलिए हम सभी लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। हमें अपने बिहार के बारे में किसी प्रकार क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमको अपने बिहार को डेवलप कैसे करना है। बिहार के युवा हमारे सिर्फ बिहार में रहे, क्योंकि आपको पता है कि सब मतलब पूरे भारतवर्ष में बिहार के जो युवा होते हैं उनके पास जीनियस लोग होते हैं बिहार में, आपको भी पता है, IIT और जो भी आप देखिए UPSC IAS मैक्सिमम लोग बिहार के बनते हैं, और ऐसे दौर में ये युवा बन रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्स में ये लोग एक अच्छा डिग्री और एक अच्छा मुकाम पाते हैं। तो उसी तरह से अगर गवर्नमेंट विचार करेगी तो ये युवा बिहार के लिए काम करेंगे, और चूंकि हम लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार मैसेज देगी, लेकिन इसमें ज़रूरत है जागरूक होने का। जी मनोज कुमार जी, जैसा कि मैं ये कहने का मतलब ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप इधर जैसे कि रेल परिवहन जैसे मेट्रो का देखे आप, मतलब यातायात का जो अथी है वो जाने के लिए इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। हमको आए तो हमने देखे कि यहाँ पर जाने आने का जो सुविधा है बहुत अच्छा है, खास करके यहाँ पर जो बिहार में ऐसा नहीं है। ऐसा करने के लिए बिहार में क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराना पड़ेगा तब ऐसा होगा? जी, चूंकि बिहार में देखिए, बिहार में यातायात की सुविधा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत मतलब उस पर बहुत वर्क करना पड़ेगा सरकार को, और अचानक नहीं होगा, लेकिन हाँ अभी से अगर इस पर अपना बिहार गवर्नमेंट इस पर विचार करे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे अच्छा हो, जैसे पटना जैसे शहर में मेट्रो का अभी काम अभी स्टार्ट हुआ, तो इसको फास्ट ट्रैक पे करवाना चाहिए। जो भी जैसे मुजफ्फरपुर हुआ, जो हाईली पॉपुलेटेड जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वहाँ शहर के लिए गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। जैसे दिल्ली में है गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, जैसे लड़कियों के लिए दिल्ली में फ्री है, दिल्ली सरकार लड़कियों को दिल्ली की जो बसेज हैं आपको पता होना चाहिए उसमें फ्री में है, मतलब लड़कियाँ जो भी ट्रेवल करेंगी उनको पैसे नहीं लगेंगे। इस तरह से बिहार में भी होना चाहिए कि बिहार में भी जो गवर्नमेंट बस है जिसमें जो लड़की पढ़ने जा रही है, जैसे हमारे ताली गाँव से और सिवान जिला हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर सिवान डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ से कम जो भी जो चट्टी चौराहा है वहाँ से गवर्नमेंट की बसें ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, जैसे लड़कियाँ या लड़के जो भी हैं वो कम पैसे में सिवान पहुँचे और अपना एजुकेशन लें, क्योंकि उस सब ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से हमारा स्टेट, और जैसे हम लोग भी बहुत सफ़र कर रहे हैं जाने के लिए, अगर अपने बाइक से जाएंगे, अब सबके पास तो बाइक है नहीं अपने स्टेट में या किसी भी राज्य में बात करें।
तो मनोज कुमार जी, जैसे कि और एक छोटा सा सवाल हम करना चाहते हैं, जैसे कि आप बहुत सारा जैसे कि बिहार के लड़के यहाँ पर आ रहे हैं काम करने के लिए और अच्छा अच्छा डिग्री लेकर आ रहे हैं, और बिहार में भी आप देख सकते हैं कि न्यूज में कि IIT करके या और सारा मतलब पढ़ाई करके जो कि एक अच्छा लेवल का पढ़ाई है वो सब करके अगर चाय बेच रहा है, मतलब चाय बेच रही है लड़का हो या लड़की, तो उस पर बिहार सरकार क्यों नहीं ज़्यादा ध्यान देती है? क्योंकि वो बिहार सरकार को मतलब एक कहने का एक अच्छा बुरा संदेश देने का प्रयास कर रही है कि हाँ मैं इतना पढ़ के एक चाय बेच रहा हूँ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इस चीज़ को देखिए, अच्छा बुरा वाली बात नहीं है, इसमें ये पॉजिटिव चीज़ देखिए। इसमें क्या है कि जैसे MBA करके कोई चाय बेच रहा है, कोई लड़की चाय बेच रही है, तो ये इसमें निगेटिव आप छोड़िए, पॉजिटिव वे में जाइए, उसको सरकार को अपने संज्ञान में लेना चाहिए, उसको कैच करना चाहिए कि ये कौन लड़की है कि MBA करके या BCOM करके इंजीनियरिंग कॉलेज या अपने डिग्री कॉलेज के सामने चाय बेच रही है, उसको आइडेंटिफाई करे सरकार और उसको स्टार्टअप के लिए कुछ फंड दे, 10 लाख 5 लाख रुपया दे। वो जब वो लड़की हाईली क्वालिफाइड है, मतलब उसके पास डिग्री है, तो जब वो एक स्टार्टअप या बिजनेस करेगी तो उसमें 2-4 लोगों को बिहार में जॉब देगी। तो सरकार को इस पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए कि जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो छोटा स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसमें उनकी लोन का जो भी सिस्टम है या उनको फाइनेंस गवर्नमेंट की तरफ से दे। इसका मतलब हमारे कहने का मकसद ये है कि सरकार को बढ़ावा देना चाहिए कि जो लोग ऐसे मतलब जो एजुकेटेड हैं, रिसर्च किए हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अगर कुछ कर रहे हैं तो सरकार को उनको जो भी अपना गवर्नमेंट है पटना बुलाएं, उनको उनको सम्मानित करें। तो उनको जब सम्मानित करें तो मैसेज आएगा अपने सोसाइटी में कि देखो एक चाय बेचने वाला अपने गवर्नमेंट से सम्मानित हो सकता है, गवर्नमेंट उसको इतना लोन दे रही है उसको बिजनेस करने के लिए, तो हम भी बिहार में करें। तो उससे क्या होगा कि बिहार के जो युवा हैं, बिहार के जो लोग हैं, दूसरे स्टेट में माइग्रेट नहीं होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा लोग बिहार के माइग्रेट हो रहे हैं दूसरे स्टेट में, क्योंकि जॉब नहीं है। तो जैसे कि आप दिल्ली में काफ़ी दिनों से रह चुके हैं और रह रहे हैं, तो जैसा मतलब ऐसे में यहाँ पर क्या बिजनेस देखें जो कि बिहार में अच्छा तरीका से चल सके और कम पैसा लागत में चल सके? जी, यहाँ पे दिल्ली में जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं तो इसमें जाहिर सी बात है कि बहुत एन नंबर ऑफ बिजनेस है, बहुत सारा बिजनेस है यहाँ पे। लेकिन बिहार के युवाओं के लिए मतलब बहुत बड़ा सेटअप और बहुत बड़ा बिजनेस तो अचानक स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। जैसे अभी सपोज करिए कि मतलब बिहार सरकार या पूरे गवर्नमेंट में पॉल्यूशन की वजह से जो लाल ईंट थे इसको बंद करा दिया गया, तो हम क्या उसमें अब तुरंत हमको उस पर विचार करना है कि जब वो बंद हो रहा है तो उसका विकल्प क्या है। विकल्प मतलब जो एस वाले जो ईंट हैं, जो दूसरे जो व्हाइट कलर के जो ईंट हैं, इनका डिमांड बढ़ेगा तो ये बनेगा कैसे, उस पर विचार करना चाहिए। फिर सरकार को बोलना चाहिए तो नहीं, मतलब जैसे कि मतलब अगर ये बिजनेस अगर जैसे कि देहात में हो गया, जैसे कि आपने बिहार में हो गया, ये अच्छा चलने वाला है जी, और हमारे देखने से लगभग 2-4-5 लाख में ये बिजनेस तैयार हो जाएगा, चल जाएगा। क्योंकि अभी दिल्ली में भी काफी अच्छा ये बिजनेस चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी जो कि बिहार जैसा वो चिमनी का जो ईंट नहीं मिलता है, तो खास करके ज्यादातर वहीं पर प्रयोग करते हैं यहाँ के लोग। और सारी बातें हम करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि काफ़ी छोटे छोटे जो दुकान है उन लोग का भी कैसे खर्चा चलता होगा। अभी देखें कि एक छोटा सा दुकान है लेकिन उस पर भी एक मोबाइल का शॉप चला के वो कैसे अपना जीवन परवरिश इस बड़े शहर में कर लेते हैं, उस पर कुछ आप प्रक्रिया दे सकते जी। चूँकि देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे आप दूसरे स्टेट से लोग आए दिल्ली में, और दिल्ली और जो भी मेट्रो सिटी है काफ़ी खर्चीला जगह है। यहाँ पर मतलब समझिए कि आप अगर अच्छे दिमाग से कोई बिजनेस नहीं करिएगा तो आप समझ के पूरी लाइफ आप मतलब जॉब करते रहिए, आपका कुछ ना सेविंग होगा ना आप ग्रो कर पाइएगा। तो वो छोटे घर में रह के या छोटे शॉप में लेकर के बिजनेस कर रहे हैं तो वो कोशिश कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं कि हम इससे ज़्यादा अर्निंग करें और कम इसमें इन्वेस्ट करें, और सपोज कि उनका बिजनेस उस लेवल का नहीं चल रहा है तो इस हिसाब से वो अपने छोटे शॉप पे हैं, छोटे जगह पे हैं, और उसमें ज़्यादा लोग उसमें इंगेज हैं, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं अपने मतलब लाइफ में कहीं कि वो फाइट कर रहे हैं ग्रो करने के लिए। एक छोटा सा ये वीडियो था और मैं बिहार के कुछ उन युवाओं को संदेश देने का प्रयास कर रहा था जो कि अगर आप दिल्ली में या हरियाणा में या पंजाब में या कहीं जाकर कमाते हैं, तो खास करके इस वीडियो का मेन मकसद था कि जो अपना बिजनेस तैयार करें और आप उस बिजनेस से काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जिंदगी भर अपना देश से वर्क करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अपने मिट्टी में आप रहेंगे। सोचिए हर किसी जैसे आप सपोज कि पढ़ने गए हैं जो भी लड़का, तो
वो जब स्कूल में जाता है तो सोचता है कि कब छुट्टी हो कि मैं गांव जाएं। उसी तरह से जॉब में भी ये होता है कि नहीं, कब हमको टाइम मिले कि अपने नेटिव प्लेस पे जाएं। तो क्यों नहीं हम अपने गांव में, अपने जो जन्म धरती है वहीं पे कुछ क्यों नहीं ऐसा बिजनेस किया जाए कि हमको दूसरे सिटी में, दूसरे किसी के स्टेट में ना जाना पड़े, हम अपने अपने पास ही बिजनेस करेंगे। दूसरा चीज़ ये, इसका अगला पॉइंट ये है कि जब भी हमारे तरह के जो भी युवा हैं जो अच्छे मतलब पोस्ट पे हैं, तो एक मतलब 10-15 साल जब भी वो जॉब कर लेते हैं तो उनका एक सिस्टम ऐसा क्रिएट होता है, मतलब इसको आप निगेटिव में ना लीजिए, मतलब मेरा मैसेज है कि वो फिर अपने होम टाउन या अपना जो गाँव है, जो अपना इलाका है, वहाँ पर वो बैक नहीं जा पाते हैं। वहाँ से उनकी कनेक्टिविटी धीरे धीरे टूटने लगती है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है शहर में जो लोग रह रहे हैं। इसलिए हम सभी लोगों से, जो भी पढ़े लिखे अच्छे हैं, जो अच्छे सैलरी पा रहे हैं, ये बोलते हैं कि गांव से कनेक्ट रहिए और कम से कम वहाँ पे जाइए तो समझिए कि वहाँ पे क्या ज़रूरत है, और आप अपना जॉब जो कर रहे हैं उस जॉब से आप अपना पेट पालिए, अपना फैमिली को ग्रो करिए, लेकिन कम से कम अपने सोसाइटी को भी थोड़ा सा उसमें से कंट्रीब्यूट करिए कि वो भी थोड़ा सा ग्रो करे। जब क्योंकि आप सपोज करिए आप यहाँ पे पनीर और पूड़ी सब चीज़ खा रहे हैं, आपके घर के बगल में कोई अगर एक भूखा अगर सो रहा है तो उसकी गलती नहीं, वो गलती ठीक है, वो क्या किया है भूखा है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है प्रेम सागर जी कि उस पर भी आपको नज़र रखना है। अगर वो भूखा है तो यहाँ पर आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप उसको कम से कम फूड दीजिए, या नहीं तो उसको ऐसा काउंसलिंग करिए कि वो कल जाए काम पे और कम से कम एक दिन 100 रुपया या 200-300 लेके आए और शाम को भोजन करे। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से मेरा प्रयास था कि बिहार की कुछ दशा दिशा दोनों बदल दी जाए, लेकिन इस पे क्या प्रक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा, और आज का वीडियो कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रेम सागर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।